आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। उज्जैन में आर्मी भर्ती के अभ्यर्थियों का जंगी प्रदर्शन। 21 जून तक निम्न मांगे न मानने की स्थिति में उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना का विरोध। लिखित परीक्षा शीघ्र करवाने, उम्र में 2 वर्ष की छूट दिए जाए। आज उज्जैन में आर्मी भर्ती में होने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि हमने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, अचानक सरकार ने लिखित परीक्षा रद्द करने की बात कही है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। फिजिकल का मतलब 80% हम कामयाब हो गए थे, सिर्फ लिखित देकर हम 100% के हकदार बन जाते। ऐसे में परीक्षा अचानक रद्द करने की बात हमारी समझ से बाहर है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से हम इंतजार कर रहे थे और अब इस प्रकार की बात सामने आई। हमने विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा है तथा मांगे न मानने की स्थिति में उग्र आंदोलन को हम विवश रहेंगे। 28 मार्च 2021 को मैं फिजिकल क्वालीफायर हुआ था। मई में मैं मेडिकल पास हुआ लखनऊ से। उसके बाद 30 मई को मेरी एग्जाम थी। 30 मई के बाद उन्होंने 25 जुलाई कर दी ऑफिशियल साइट पे, ठीक है ना। 25 जुलाई से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और अभी इन्होंने मेरे से 20,000 बंदे अभी इन्होंने जो है आर्मी की भर्ती, आर्मी की जो एग्जाम होनी थी वो कैंसिल कर दी। प्लस टीओटी के तहत इन्होंने ये लागू कर दिया कि पर व्यक्ति बस 4 साल तक ही ड्यूटी कर पाएगा और जो 100% में से 75% को हटा दिया जाएगा वो 25% रेगुलर रह पाएंगे। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं सर? हम तो 80% निकल चुके थे सर, हमने 80% क्वालिफायर कर लिया था सर। उसके बाद भी बस खाली 20% काम था एग्जाम का, एग्जाम नहीं। और सर पहली बात, आर्मी में अभी तक रहता था कि 17.5 से 23 साल तक का बच्चा जाएगा, अब 17.5 से इन्होंने 21 साल कर दिया, तो 2 साल तो वो घट गए। 2 साल से अभी तक भर्ती नहीं थी कोरोना में। 2 साल से हम, मेरे भाई युवा जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, अपने पैरों के छाले ला रहे थे सर दौड़ के। कितने लोग प्रभावित हुए इससे? 50,000 से ज्यादा यहाँ पर उज्जैन में ही है। 50,000 से ज्यादा तो सर उज्जैन में तैयारी कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है सर। इससे 20 गुना कल मऊ में, इससे 20 गुना कल मऊ में तैयार हो रहा है। सका तो दिल्ली जाएंगे, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था उसी प्रकार से दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे सर। अभी अभी आप लोग इकट्ठे हुए, आपके क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि टीओडी पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हो। टीओडी लागू ना हो, बच्चों को 2 साल की छूट की जाए, जो एग्जाम बाकी है, जो पेंडिंग है वो एग्जाम हो, और ओपन भर्ती जो रेगुलर चल रही है वो ओपन भर्ती हो। बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मोदी सरकार हम आपसे बोलना चाहते हैं, मैं खुद स्वयं आज से 5 साल पहले झंडे ले लेके मैं मोदी सरकार तुम्हारे लिए तोड़ा हूँ। मैंने खुद ने मेरी गाड़ी पर बिठा बिठा के वोट डलवाया। हमने आपको इसलिए वोट दिया था, आप इसलिए चल रहा है। चल कर लो मोदी सरकार, हम अपना अधिकार मांगते हैं।